सरकार लगातार मध्य प्रदेश की जनता को लुभावने सपने दिखाकर उन्हें ठग रही है। किसानों को कर्ज माफी से लेकर युवाओं को मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते पर रोक लगा रखी है, जिससे आम जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। अब समय आ गया है कि इस कांग्रेस की सरकार को सबक सिखाया जाए। पत्रकार से चर्चा करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष कविता पाटीदार ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि साल भर बीत जाने के बाद भी अब तक किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए हैं, जबकि सरकार बनने के बाद 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ करने का वादा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया था। साथ ही बेरोजगारों को मिलने वाला 4000 बेरोजगारी भत्ता भी उन्हें नहीं मिल रहा है, और तो और पंचायत को मिलने वाली विकास राशि भी 1 साल से नहीं मिली है, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले विकास कार्य पूरी तरह रुके हुए हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में जनता से झूठे वादे करके किसानों को 2 लाख की कर्ज माफी, बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता, ऐसे झूठे वादे करके कांग्रेस सत्ता में तो आ गई, लेकिन उसके बाद जो विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्र में होने थे, क्योंकि 1 वर्ष पूर्ण हो गया है कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार को, उस विकास कार्य की ट्रेन एकदम से थम गई है, गति बिल्कुल थम गई है। जिला पंचायत के माध्यम से, जनपद पंचायत के माध्यम से जो त्रिस्तरीय पंचायत राज विकास कार्य होने थे, उसे कोई गति नहीं मिल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन से कोई भी आवंटन ना तो जिला पंचायत को, नहीं जनपद पंचायत को। पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम लोग को राज्य शासन से, राज्य वित्त आयोग के माध्यम से जो परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में राशि जनपद पंचायत और जिला पंचायत को लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए प्राप्त होते थे विकास कार्य करने के लिए, लगभग 1 साल में ना तो जिला पंचायत को ना जनपद पंचायत को कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई। बीच में एक बार राशि जरूर आई थी 2 करोड़ की, लेकिन हम लोगों ने मीटिंग करके उस विकास कार्यों की रूपरेखा भी बनाई, लेकिन उसके 4 दिन के बाद ही उसे नियमों के साथ रोक लगा दी गई। उस नियमों के साथ भी हम लोगों ने रूपरेखा तैयार करी, लेकिन उसके फिर पुनः 5-6 दिन के बाद उस पर रोक लगा दी गई, जो आज तक हमें प्राप्त नहीं हुई। यानी विकास कार्य के नाम पर हम सभी जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के सदस्य, हम लोग विकास के नाम पर कोई राशि न होने के कारण हम कोई विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं। बेरोजगार लोगों को 4000 रुपये बेरोजगार भत्ता के रूप में देंगे, लेकिन वो आज तक उन्होंने इस योजना का न तो शुभारंभ किया न लोगों को इस योजना का लाभ मिला। यहाँ तक कि भाजपा के शासनकाल में किसानों को खेती के लिए बिजली प्रदान की जाती है, वह भी पर्याप्त किसानों को नहीं मिल पा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए तो लगातार गरीबों को नए घर प्रदान किए जा रहे हैं, परंतु इसके विपरीत मुख्यमंत्री आवास योजना के मकानों का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण गरीबों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि यदि जल्द ही पंचायतों को मिलने वाली राशि उन्हें नहीं दी गई तो ग्रामीण क्षेत्रों में उग्र आंदोलन किए जाएंगे।